हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पैशन फॉर केयर। टुडे टॉपिक इज राइट ऑफ मेडिकेशन, या बोल सकते हैं हम सिंपल राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नाम से क्या पता चल रहा है कि ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते समय किन किन चीज़ों का हमें क्या अच्छे से ध्यान रखना होगा, या किन किन चीज़ों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, या फिर पेशेंट्स के क्या राइट्स है, एक नर्स के क्या राइट्स है, इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप ANM से हो, ओके, GNM हो, या फिर BSc नर्सिंग किए हो, आप किसी भी टाइप के नर्स हो, आपको राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम सिंपली बोले एक नर्स क्या है, तो नर्स क्या है, एक लिंक है बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट। डॉक्टर और पेशेंट के बीच का कड़ी क्या है, नर्स है। मतलब डॉक्टर के पास जो भी पेशेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हम लोग लेके जाते हैं, और फिर डॉक्टर जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम पेशेंट और अटेंडेंस के पास लेके जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, ठीक होने के पर्पज़ से। ठीक होने के लिए हमारे पास जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो है आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब जो हम लोग मेडिसिन के थ्रू क्या कर रहे हैं, पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। तो ठीक करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। फर्स्ट वन हो गया बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले किन चीज़ों का हम लोग के पास राइट्स है, ठीक है, और आफ्टर। ठीक है, लास्ट में दिया हुआ है दो राइट्स आपका, आफ्टर मेडिकेशन हैज बीन एडमिनिस्ट्रेटेड, और एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद कौन से दो राइट्स हैं। ओवरऑल अगर हम अभी बात करेंगे तो टोटल हमको अभी कितने राइट्स पढ़ना है, 8 आपका हो गया बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, ठीक है, और प्लस 2 आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो अभी ओवरऑल हम लोग 10 राइट्स देखेंगे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स में आपको अलग अलग टाइप देखने को मिल सकते हैं, तो उसको ज़्यादा मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। कहीं पे 5 मेडिकेशन दिया हो सकता है, 5 राइट्स दिए हो सकते हैं, 7 राइट हो सकते हैं, 8 राइट हो सकते हैं, या जनरली अभी जो चल रहा है वो 10 राइट्स है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है आपका राइट मेड पेशेंट। ठीक है, क्या दिया हुआ है, राइट पेशेंट। ठीक है, नॉर्मली समझते हैं इसको, चेक द नेम ऑन द ऑर्डर एंड द पेशेंट। राइट पेशेंट का मतलब क्या, सही पेशेंट का चुनाव। मतलब हम जिस पेशेंट के ऊपर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, ड्रग अप्लाई करने जा रहे हैं, उसका पहचान क्या होना चाहिए, प्राथमिक। प्राथमिक सबसे पहले होने चाहिए कि उसको हम लोग क्या करें, आइडेंटिफाई कर लें। तो चेक द नेम ऑन द ऑर्डर, आपके पास जो स्लिप है, ठीक है, जिस स्लिप पे पेशेंट का नाम लिखा है उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट वन पेशेंट को चेक करेंगे कि वो पेशेंट का ही नाम है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आस्क पेशेंट टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ हरसेल्फ। अगर पेशेंट एबल है, वो बोल सकता है, ठीक है, तो उससे हम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर में जो हमें दिया गया है उससे क्रॉस चेक करेंगे। या फिर अगर पेशेंट अनेबल टू आस्क, पेशेंट हमें क्या कर सकता है, बोल नहीं सकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो चेक पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन ब्रासलेट। जनरली जो वार्ड में पेशेंट होते हैं, ICU में पेशेंट होते हैं, या OT में जो पेशेंट को हम लोग लेके जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ब्रासलेट क्या करते हैं, उसके हाथ में बांध देते हैं। इस पर क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया आपका, नेम हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ इस पर क्या रहती है, मेंशन रहती है, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको हम लोग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा सही पेशेंट का पहचान करना, राइट पेशेंट। ठीक है, जो हमारा पहला राइट है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वो क्या है, आपका राइट पेशेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग राइट मेडिकेशन। ठीक है, राइट मेडिकेशन, हमने पेशेंट का चुनाव कर लिया कि यही पेशेंट को हमको मेडिकेशन अप्लाई करना। अब जो मेडिकेशन हम लोग दे रहे हैं, जो ड्रग हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो ड्रग हम लोग क्या कर रहे हैं उस पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो सही है कि नहीं है उसको भी चेक करना है। ठीक है, दिया हुआ है परफॉर्म ए ट्रिपल चेक ऑफ मेडिकेशनल लेवल विथ द फिजिशियन ऑर्डर। ठीक है, फिजिशियन के द्वारा, ठीक है, जो आपके डॉक्टर हैं उसके द्वारा जो मेडिकेशन लिखा गया है वही मेडिकेशन वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं देने के लिए। जैसे एग्जांपल में कोई भी मेडिसिन है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, लेवल चेक करेंगे। जैसे आपका नाम हो गया, प्रिस्क्रिप्शन नंबर हो गया, ठीक है, एक्सपायरी डेट हो गया, तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, सही से चेकआउट करेंगे।
ठीक है। तो आपको पहला ध्यान रखना है राइट पेशेंट का, दूसरा किसका ध्यान रखना है, राइट मेडिकेशन का, कि जो मेडिकेशन हम अप्लाई दे रहे हैं वही मेडिकेशन दे रहे हैं या उसके अलावा कुछ और मेडिकेशन तो डॉक्टर ये मतलब पेशेंट जो है वो तो लेके नहीं आ गया, या फिर जहाँ जिस शॉप से लाने गया है वहाँ पे गलती से तो वो मेडिसिन के बदले कोई दूसरा मेडिसिन उसको नहीं दिया। क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन जब आप खरीदने जाओगे तो नाम उसके बहुत सारे एक जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन सबके जो यूजेज है वो क्या है अलग अलग, तो इसलिए हमें राइट मेडिकेशन का भी ध्यान रखना होगा। नेवर एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन प्रिपेयर बाय अनदर पर्सन, अगर कोई दूसरा पर्सन कोई भी टाइप का मेडिसिन प्रिपेयर करके गया है, ठीक है, जो इंजेक्शन फॉर्म में हम लोग लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कोई भी सोल्यूशन को प्रिपेयर करके लोड करते हैं, तो इंजेक्शन फॉर्म में अगर मेडिसिन लोड है, ठीक है, आप अगर कोई दूसरा व्यक्ति गया है तो उस दवाई को हम लोग पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कौन सा है, कौन सा कॉम्बिनेशन उसमें साथ साथ में वो क्या है मिक्स किया है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ नेवर एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन दैट इज़ नॉट लेबल, और कोई भी मेडिकेशन, ठीक है, अगर उस पर लेबल नहीं है, उस पर नाम लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, मेडिकेशन पे क्या है नाम लिखा हुआ नहीं है, तो उस मेडिकेशन को भी हम लोग पेशेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें पहले क्या ध्यान रखना होगा, सही पेशेंट का पहचान करना होगा, दूसरा सही मेडिसिन की भी पहचान करनी होगी और सही मेडिसिन ही अप्लाई करेंगे। अगर किसी भी तरह से हमको डॉट लग रहा है कि वो मेडिकेशन वो नहीं है, वो ड्रग नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड हमारा दिया हुआ है राइट डोज, ठीक है, हमने सबसे पहले पेशेंट का पहचान कर लिया, दूसरा मेडिकेशन सही हो गया, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या जाएंगे, राइट डोज मतलब कितना देना है, ठीक है, कितना देना रहेगा उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, अगर इंजेक्शन में है तो हम उसको लोड कर लेंगे, 5 ml देना है तो 5 ml लोड करेंगे, 3 ml देना है तो 3 ml, 1 ml देना है तो 1 ml लोड करेंगे, ठीक है। वही दिया हुआ है चेक द ऑर्डर गिवन बाय द फिजिशियन, आपको देखना है कि फिजिशियन के द्वारा जो हॉस्पिटल का स्लिप होता है उस पर कोई भी इंजेक्शन जो है उसके आगे में लिखा रहता है 3 ml देना है, ठीक है, तो हमको क्या करना है 3 ml लोड कर लेना है, ठीक है। चेक लेवल फॉर द मेडिकेशन कंसंट्रेशन, मेडिकेशन के कंसंट्रेशन को भी देख लेना है, ठीक है। उसके बाद चेक ऑल मेडिकेशन कैलकुलेशन विथ अनदर नर्स, अगर कोई दूसरा नर्स आपके साथ में काम कर रही है वो उस सेम दवाई को अगर यूज कर रही है तो वो कितना दवाई का कम्बिनेशन लेके बनाई है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ क्या करेंगे चेकआउट कर लेंगे। वेरीफाई दैट डोजेज इज विथ इन अप्रोप्रिएट डोज रेंज फॉर पेशेंट एंड मेडिकेशन, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप मेडिकेशन लोड करते हो खास करके इंजेक्शन फॉर्म में, जब हम किसी इंजेक्शन को लोड करते हैं ड्रग को, उसमें क्या होता है कि हमारी कुछ गलतियों के कारण कुछ ना कुछ मेडिसिन क्या होती है सिरिंज में, जितना जैसे 3 ml आना चाहिए था, ठीक है, 1 ml में 3 ml हमारा पास सॉल्यूशन है, ओवरऑल जब इसको मिक्स किए, मिक्स करने के बाद रिजल्ट क्या आया 2 ml, रिजल्ट हमारा कितना निकल के आया 2 ml, ठीक है, मतलब हम तो बनाए थे लेकिन क्या होता है कुछ गिर जाने से, जैसे कुछ वाटर गिर जाने से या कुछ मेडिसिन गिर जाने के कारण ओवरऑल बचा कितना है, जैसे हम बॉयल को अच्छे से नहीं तोड़ पा रहे, तोड़ने के टाइम में थोड़ा बॉयल से क्या हुआ दवाई बाहर निकल गया, तो रिजल्ट हमारा क्या निकला 2 ml। तो अब ये देखना है कि 2 ml देने के बाद पेशेंट पे उस तरह का वर्क होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो हमें उस दवाई को एडमिनिस्ट्रेट नहीं करना है, हमें वापस से क्या करना है 3 ml बना के फिर उस दवाई को क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। इसलिए राइट डोज का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप डोज राइट नहीं लेते हो, अगर डोज राइट नहीं लेते हो तो उसके आपको डिसएडवांटेज ज़्यादा देखने को मिल सकते हो, अगर ज़्यादा लेते हो तो ओवरडोज होगा तो टॉक्सिसिटी काउज कर सकता है, कम लेते हो तो जिस बीमारी के लिए आप दे रहे हो वो बीमारी सही से नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ वन आ जाते हैं हमारा राइट रूट, रूट ऑफ डायग्नोस्टेशन में मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि सभी दवाइयों का अपना एक क्या है रूट है, ठीक है, कौन से दवाई को हम किस रूट से ले सकते हैं, जैसे रिपोर्ट प्रिपरेशन में मैंने बताया था कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं आईएम रूट से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाईली कंसंट्रेटेड अगर आपके पास मेडिसिन है तो उसको भी हम लोग आईएम रूट से नहीं लेंगे, ठीक है, उसको भी हम लोग आईवी रूट से ले रहे थे, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, मैंने सारे लेक्चर्स बना दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। राइट रूट, अगेन चेक द ऑर्डर एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रूट ऑर्डरेड, ठीक है, हम आप क्या करेंगे दोबारा से क्या करेंगे
जो हमारे पास स्लिप है, ठीक है, जो हमारे पास स्लिप है उसको दोबारा से चेक करेंगे। उसमें आपको लिखा होगा कोई भी इंजेक्शन है तो उसको क्या करना है, आईएम देना है, आईवी देना है, कोई मेडिसिन है तो उसको ओरल देना है, ठीक है, आईएम देना है या आईवी देना है, कुछ भी देना है तो वो क्या रहता है, आपका मेंशन रहता है स्लिप पे, क्या रहता है, मेंशन रहता है, या फिजिशियन के द्वारा आपको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, आप नर्स हो आपको इंडिकेट किया जाएगा कि उसको क्या करना है, आईएम रूट से देना है, ठीक है। तो वही क्या करना है, आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है, और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रूट देख लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कन्फर्म दैट पेशेंट कैन टेक और रिसीव द मेडिकेशन बाय द ऑर्डर रूट। जिस रूट से हम दवाई दे रहे हैं क्या पेशेंट उस रूट को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स को जिस समय वो पेशेंट को चेक किया उस समय पेशेंट बेहोश नहीं था, लेकिन अब क्या है, पेशेंट बेहोश हो गया, तो ओरल रूट से अगर दवाई हम देना चाहें तो नहीं दे सकते, ठीक है। जिस समय पेशेंट ने आके डॉक्टर ने आके पेशेंट को विजिट किया उस समय पेशेंट नॉर्मल था, लेकिन आधे घंटे बाद पेशेंट को क्या आ रही, उल्टी आ रही, वोमिटिंग आ रही, तो भी हम ओरल रूट से दवाई नहीं देंगे। मतलब आपको रूट चयन करने, आपका जो रूट है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले ये भी देखना है कि पेशेंट उस रूट को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कंफर्म हो जाना, वही दिया हुआ है, कंफर्म दैट पेशेंट कैन टेक और रिसीव द मेडिकेशन बाय द ऑर्डर रूट, वो इस रूट से वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है। अगर नहीं ले सकता है तो हम रूट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सभी तरह के फॉर्म के मेडिकेशन अवेलेबल होते हैं, ड्रग अवेलेबल होते हैं। अगर किसी को ओरल रूट में परेशानी है तो हमारे पास आईएम या आईवी का ऑप्शन होता है, ठीक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स में आप लोग देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग राइट टाइम, राइट टाइम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरीफाई शेड्यूल ऑफ मेडिकेशन विथ ऑर्डर, डेट हो गया, टाइम हो गया, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम हो गया। देखिए इस तरह का आपका चार्ट आता है, ठीक है ना, जब वार्ड में पेशेंट रहता है उसके लिए इस तरह का चार्ट आता है जिसमें टाइम ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब दिया हुआ है, मेडिकेशन का नाम, किस रूट से आपको देना है, डोज, मतलब किस रूट से आप दियो, कितना डोज दियो, डेट एंड टाइम, ये सब क्या करना है आपको मेंशन करना है। लास्ट में भी ये काम करना होता है, ठीक है, जैसे जैसे आप काम करते जाते हो वैसे वैसे उसको क्या करना होता है, फिलअप करना होता है, ठीक है। तो वही दिया, वेरीफाई कर लेना है डेट टाइम, किस टाइम में उसको देना है, ओडी है, वंस ऑन टाइम है, ठीक है, मतलब दिन में एक बार देना है कि दिन में दो बार देना है, जैसे बीडी हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको मेंशन किया हुआ रहता है, इसी चीज़ को हमको क्या करना होता है, फिलअप करना होता है। तो वही चीज़ है, आपको राइट टाइम भी इम्पोर्टेंट है। अगर दो दवाई किसी एक दवाई के बीच में आपका टाइम इंटरवल होता है, ठीक है ना, कोई भी जो डोज होता है उसके बीच में क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है। टाइम इंटरवल मतलब जैसे एक दवाई क्या बोलते हैं हम लोग, दो दिन लेना है, तो जैसे शाम में अगर 6 बजे लिए तो फिर सुबह में 6 बजे, 12 घंटे का क्या रख रहे हैं हम लोग, गैप रख रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए हमको राइट टाइम मेंशन होना ज़रूरी है। डबल चेक दैट यू आर गिविंग द ऑर्डर डोज एट द करेक्ट टाइम, ठीक है, और आप जो दवाई दे रहे हो वो करेक्ट टाइम पे ही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ड्रग का आप लोग बाद में इसको पढ़ेंगे जो एक्सक्रीशन होता है वो 100% नहीं होता है, प्लाज्मा हाफ लाइफ बोलते हैं उसको, ठीक है, प्लाज्मा हाफ लाइफ। बहुत से ऐसे ऐसे सिंपल टॉपिक है, मैं बाद में इस पर वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। प्लाज्मा हाफ लाइफ इसमें होता क्या है कि कोई भी जो हम ड्रग देते हैं वो 50% क्या होता है, बॉडी से पास आउट होता है, आधा क्या होता है, बॉडी से पास आउट होता है, ताकि हम नेक्स्ट डोज दे सके और टॉक्सिसिटी काउज नहीं कर सके, क्योंकि अगर वो डोज उसके अंदर पहले से है दोबारा से आप दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉइजन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। वो क्योंकि ड्रग एक क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। डबल चेक दैट यू आर गिवन ऑर्डर डोज एट द करेक्ट टाइम, इसलिए करेक्ट टाइम पे दवाई देना आपको क्या है, जरूरी है। उसके बाद कन्फर्म वेन द लास्ट डोज वॉज गिवन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ना हॉस्पिटल ड्यूटी में ये दिक्कत हो जाती है कि कोई एक नर्स क्या करती है, सिंपल समझते हैं यहाँ पे, एक नर्स क्या की बीडी में दवाई को देना था, ठीक है, दवाई को सुबह और शाम 6 बजे देना था, ठीक है, 6 AM में दवाई देना था, वो दवाई दे दी आपको 10 AM में, दवाई का प्रोवाइड की 10 AM में, आप फिर से क्या कर रहे हो, 6 PM में आपको दवाई देना है, लेकिन दवाई वो कब दी है, 4 घंटे बाद दिए, 4 घंटे लेट दिए ना आप, अगर दूसरा डोज उसको 6 AM में ही प्रोवाइड करते हो तो चांसेस है टॉक्सिसिटी काउज करने का। तो ये भी आपको एज ए नर्स ध्यान रखना होगा कि पहला डोज उसको कब दिया गया था और उस दवाई का इंटरवल डोज कितने देर के बाद हम दे सकते हैं। अगर जस्ट उसके बाद 6 बजे यानी 6 घंटे में देना सुरक्षित है तो ही हम देंगे, अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो गैप होता है आपका, ठीक है, 12 घंटे का अगर गैप है तो 12 घंटे का ही गैप हम लोग लेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर 8 घंटे में देना सही है तो ठीक है, दे सकते हैं। अगर टॉक्सिसिटी काउज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डोज 10 AM में पड़ा था तो नेक्स्ट डोज अब हमारा कब पड़ेगा,
10 PM में, ठीक है। तो इसलिए जो लास्ट डोज कब पड़ा था वो भी यहाँ पे मेंशन होगा इस चार्ट में, ठीक है। जो लास्ट डोज का टाइम था वो इस यहाँ मेंशन होगा, और उससे उस दवाई का जो नेक्स्ट ड्यूरेशन है, नेक्स्ट जो इंटरवल है, उसके बाद ही हम दवाई को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए राइट टाइम का भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है आपका राइट एडुकेशन। इसमें सिंपली पेशेंट को एडुकेट करना अबाउट द मेडिकेशन, जो ड्रग आप पेशेंट को दे रहे हो उसके बारे में बताना। तो पेशेंट को अगर हम कोई भी ड्रग देते हैं तो उसके दो इफेक्ट्स हो करते हैं, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स में मैंने बताया है, पहला डिजायर इफेक्ट या आप बोल सकते हो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरा एडवर्स या साइड इफेक्ट, ठीक है। तो वही दिया हुआ, इन्फॉर्म दैट पेशेंट अबाउट मेडिकेशन डिजायर इफेक्ट। डिजायर इफेक्ट मतलब एक ऐसा इफेक्ट जिस पर्पज से आप पेशेंट को क्या कर रहे हो, दवाई दे रहे हो, वही आपका डिजायर इफेक्ट है। और साइड इफेक्ट हम सिंपली बोलेंगे, हम उस पर्पस से दवाई नहीं दी थी लेकिन वो दिख रहा है। जैसे हम किसी को सिट्रिजिन दिए, ठीक है, सिट्रिजिन अगर हम किसी को देते तो सिट्रिजिन एलर्जिक रिएक्शन के लिए दे रहे हैं, लेकिन अगर उसको नींद आ रहा है, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, नींद आ रहा है, तो वो उसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन एलर्जी क्या हो रही है, वो ठीक हो रही है, ठीक है। जो उसका हिस्टामिन रिलीज हो रहा था, कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो गई, तो वो अगर ठीक हो रही तो वो उसका क्या है, डिजायर इफेक्ट। जैसे हम लोग अगर पारासीटामोल देते हैं तो पारासीटामोल का डिजायर इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर का नॉर्मल होना। लेकिन अगर टेम्परेचर नॉर्मल ना हो के उसको कहीं पर कुछ और हो रहा है, रेडनेस आ रहा है, चिल्स हो रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका साइड इफेक्ट है। तो आपको पेशेंट को हर एक मेडिकेशन के बारे में आपको मैं सेपरेट ड्रग बुक टाइप से सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं हर एक बताऊंगा कि हर एक ड्रग का अपना एक डिजायर इफेक्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ ना कुछ कॉमन साइड इफेक्ट या स्पेसिफिक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम उस चीज़ को देख लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है, आस्क पेशेंट इफ दे एनी नॉन एलर्जी टू मेडिकेशन, ठीक है। पहला तो हम लोग उसको एडवर्स इफेक्ट और डिजायर इफेक्ट के बारे में बता देंगे। दूसरा क्या करेंगे, उसे पूछेंगे कि ये जो हम आपको दवाई दे रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ा लिखा होगा उसको हम पूछ लेंगे, ये जो हम दवाई दे रहे हैं क्या आपको इसी तरह का, इस दवाई से एलर्जी पहले आप महसूस किए हो, तो हम ये दवाई क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेंगे। तो वो आप क्या कर सकते हो, पेशेंट से पूछ सकते हो, ठीक है। तो राइट टाइम हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट एडुकेशन हो गया, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग राइट टू रिफ्यूज, मना करने का अधिकार, ठीक है। इसमें सिंपल समझते हैं, मना करने का अधिकार एक पेशेंट के पास, एक पेरेंट के पास, या आपका जो भी केयरिंग वहाँ पे अटेंडेंस हो उसको अधिकार है। आप जो भी मेडिसिन दे रहे हो, एक नर्स जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, वो चाहे तो उसको मना कर सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं राइट टू रिफ्यूज़। द लीगली रिस्पॉन्सिबल पार्टी, पेशेंट, पेरेंट या फैमिली मेम्बर्स फॉर पेशेंट केयर हैज़ राइट द टू रिफ्यूज़ एनी मेडिकेशन, उसके पास अधिकार है, आप जो मेडिकेशन उसको दे रहे हो वो उसको नहीं देने के लिए बोल सकता है कि नहीं ये मेडिसिन इसके ऊपर नंबर दीजिए। किस कारण से बोल रहा है उसको हम लोग आगे देखते हैं, किस कारण से बोल रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। बट अगर मेडिसिन उसको नहीं दिया जा रहा है तो उसके क्या क्या आपको दूसरे डिसएडवांटेज है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बात कर लेंगे, ठीक है। इन्फॉर्म रिस्पॉन्सिबल पार्टी टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजिंग मेडिकेशन, हम क्या करेंगे उसको बता देंगे कि अगर आप ये दवाई नहीं लेते तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी को, एंड डॉक्यूमेंट रिफ्यूजल ऑफ मेडिकेशन एंड दैट रिस्पॉन्सिबल पार्टी अंडरस्टैंड्स कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल जो भी घटना हुई है उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे हम लोग, नोट डाउन कर लेंगे कि किस कारण से ये जो है हम ये दवाई नहीं दिए, तो किस कारण से नहीं दिए, तो रिफ्यूजल मेडिकेशन बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो उसके पेरेंट्स थे या खुद पेशेंट ने या किसी फैमिली मेम्बर ने वो दवाई देने से मना किया, और हमने उस दवाई से नहीं देने के कारण जो परिणाम आ सकते हैं उसको मैंने अच्छे से समझा दिया। इस चीज़ को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो राइट टू रिफ्यूज़ इसमें सिंपल समझना है, पेशेंट के द्वारा या उसके फैमिली मेम्बर के द्वारा अधिकार है कि वो दवाई लेने से क्या कर सकता है या आपको दवाई देने से मना कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका राइट असेसमेंट। जब आप उसको दवाई प्रोवाइड कर रहे हो तो सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको असेस कर लेना है, ठीक है। प्रॉपरली असेस पेशेंट एंड टेस्ट टू डिटरमाइन मेडिकेशन इज सेफ एंड एप्रोप्रिएट, ठीक है। आपको पेशेंट को अच्छे से असेस करना, बहुत सारे मेडिसिन के ना बहुत अच्छे अच्छे अगर साइड इफेक्ट दिख गए, मतलब वो कहते हैं ना कि हम वो दवाई दे रहे लेकिन वो दवाई वो क्या कर रहा है, उसको ठीक भी कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट होने के कारण उसको बीमार और कर सकता है, ठीक है। मतलब वो दवाई उसके लिए क्या है, सेफ नहीं है या एप्रोप्रिएट नहीं है। तो हम लोग पेशेंट को क्या करें, असेस कर लेंगे। जैसे कोई भी आपको नर्सिंग प्रोसीजर या फिर ओटी में ये सर्जरी
सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो हम लोग पेशेंट को अच्छे से क्या करते हैं, एसेस कर लेते हैं कि मतलब अगर ब्लड भी नहीं है उसके अंदर तो कोई भी अगर हम लोग ब्लीडिंग का केस होगा तो हम उसको क्या करेंगे, हैंडल नहीं करेंगे। जैसे हम लोग सीटी बीटी देखते हैं, क्लोटिंग टाइम देखते हैं, ब्लीडिंग टाइम देखते हैं, तो ओवरऑल जिस तरह से वहाँ पर एसेस करते हैं उसी तरह से यहाँ पर जो हमारे पास पेशेंट है उसको क्या करेंगे, एसेस कर लेंगे, ठीक है। और जो भी टेस्ट रिपोर्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे वो दवाई उसके लिए सेफ है या कि नहीं है। इफ़ डिमेंड अनसेफ और इनऑपरेट नॉट एडमिनिस्ट्रेट, अगर हम लोग मान लिए कि उसके लिए दवाई क्या है, अनसेफ है, तो हम दवाई को एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड नोटिफाई ऑर्डरिंग फिजिशियन एंड डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फिजिशियन वो दवाई लिखा था हमको उसको क्या करेंगे, नोटिफिकेशन मतलब उसको नोटिफाई कर देंगे कि हम ये दवाई उसको नहीं दे पाए, ठीक है। और उस दवाई का हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट पर नोटिफिकेशन कर लेंगे, आल्सो डॉक्यूमेंट रीजन दैट डज डोज वाज स्किप, और किस कारण से आपने क्या किया उस डोज को उस पेशेंट के ऊपर अप्लाई नहीं किया। जैसे बहुत सारा कारण हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शन इनऑपरेट था, ड्रग ऑस्मोसिस, ड्रग एक्सपायर था, ड्रग नॉट अवेलेबल, पेशेंट एलर्जी बोला है, ठीक है। तो मतलब कोई भी कारण हो जिस कारण से आपने एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया उसको भी यहाँ पर क्या करना है, डॉक्यूमेंट कर लेना है, ठीक है। तो ये सब हो गया कहानी किसका, बिफोर मेडिकेशन देने से पहले ये सारा कहानी था। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, आफ्टर मेडिकेशन हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है। मतलब मेडिकेशन जब एडमिनिस्ट्रेट कर दी तो क्या करेंगे, पहला दिया हुआ है 9th नंबर हो गया राइट इवोल्यूशन, मूल्यांकन करना, पेशेंट का क्या करना है, मूल्यांकन करना है कि हम जो दवाई दिए हैं वो पेशेंट पे सही असर किया है कि गलत असर किया है, सही किया है तो कितना किया है, गलत भी किया है तो कितना किया है, जो रिजल्ट आया नॉट मेंशन कि क्या रिजल्ट आया है। अगर पारासीटामोल देने से टेम्परेचर नॉर्मल जितना था उतना ही है तो उसको लिखेंगे, डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज लिखेंगे, इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज लिखेंगे, ठीक है। लेकिन लिखना है इसको, ठीक है। तो वही दिया हुआ है एसेस पेशेंट एडवर्स और साइड इफेक्ट, पेशेंट का साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट को क्या करना है, एसेस करना है। मतलब जब मेडिकेशन दे दियो, ड्रग उसको दे दियो, तो उसके बाद ये इफेक्ट देख लेंगे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद एसेस द पेशेंट फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन, और जिस पर्पज से आप मेडिकेशन दिए हो, ठीक है, उसको बुखार नहीं उतर रहा था, हम बुखार उतारने के लिए पारासीटामोल दिए तो बुखार उतरा है कि नहीं उतरा है, ठीक है। या कंपेयर पेशेंट पीरियर स्टेटस विद पोस्ट मेडिकेशन, तुरंत आपको अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आप कंपेयर तो कर सकते हो ना कि दवाई देने से पहले उसका टेम्परेचर कितना था, दवाई देने के बाद उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कितना डाउन हो रहा है, अगर अप भी हो रहा है तो कितना हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, बिफोर मतलब मेडिकेशन देने से पहले कितना था, मेडिकेशन देने के बाद कितना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है राइट डॉक्यूमेंटेशन, आपका लास्ट काम, एक नर्स का लास्ट काम क्या है, राइट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी घटनाक्रम हुआ है सबको क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट पे लिख लेना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, नेवर डॉक्यूमेंट बिफोर मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड, मैंने आपको भी बताया, जैसे जैसे आप जो प्रोसेस करोगे उसी को लिखना है, जो नहीं किया अपने मन से उसको मेंशन नहीं करना है, बाद में दिक्कत होगी, बाद में क्या करोगे, अगर कुछ और दूसरा कुछ शो अप कर दिया तो उसको डिलीट करना पड़ जाएगा ना, इरेज करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप जैसे जैसे अपना प्रोसेस अपनाते हो, जैसे जैसे स्टेप फॉलो करते हो उस हिसाब से क्या करो, आप उसको डॉक्यूमेंट करो, मतलब मेडिकेशन देने से पहले देने के बाद जो लिखना वो लिखो, ऐसा नहीं मेडिकेशन देने से पहले हम क्या किए, मेडिकेशन देने के बाद का कहानी लिख दिए हैं। डॉक्यूमेंट लाइक मेडिकेशन डोजेज रूट डेट टाइम यही सब लिखना होता है, अगर सिग्नेचर करना है तो सिग्नेचर क्रेडेंशियल आल्सो फील्ड, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने बताया हुआ था कि इस तरह से आपको डेट एंड टाइम प्रिस्क्राइब कब किया गया है, ठीक है। उसके बाद कौन सा मेडिकेशन है, कौन सा रूट है, कौन सा डोज है, ठीक है, कितना डोज है और कब हम उसको क्या किए हैं, अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने सारे राइट्स बता दिए हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग अपने बेस्टमेट के साथ भी इसको शेयर कर लो, जो कहीं हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको भी क्या करो, शेयर कर दो, ताकि जब वो हॉस्पिटल ड्यूटी ज्वाइन करे तो उसको दिमाग में रहे कि कौन कौन से राइट हो गए। पहला राइट क्या है आपका, राइट पेशेंट, दूसरा राइट राइट मेडिकेशन, ठीक है, तीसरा हो गया डोज, चौथा हो गया रूट, उसके बाद आपका दिया हुआ है टाइम, एडुकेट एडुकेशन हो गया, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका रिफ्यूज असेसमेंट, और लास्ट में आपका दिया हुआ है राइट इवोल्यूशन राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। थैंक यू।